भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्ज्वल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि गिन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है। गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेल का गौरव भी जुड़ गया है। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। 6-7 पहले तक जिसका भी पाला भारतीय रेल से पड़ता था तो वो भारतीय रेल को ही कोसते हुए, हमेशा कुछ न कुछ बोलते हुए ज्यादा नजर आता था। स्टेशन पर भीड़भाड़, गंदगी, ट्रेन के इंतजार में घंटों की टेंशन, स्टेशन पर बैठने की, खाने पीने की असुविधा, ट्रेन के भीतर भी गंदगी, सुरक्षा की भी चिंता। आपने देखा होगा लोग बैग के साथ चेन लेकर के आते थे, ताला लगाते थे, दुर्घटना का डर, ये सब कुछ, यानी रेलवे बोलते ही सब ऐसा ही ध्यान में आता था, मन में यही एक छवि उभर करके आती थी। लेकिन स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि लोगों ने स्थितियों के बदलने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। लोग मान लिया, चलो भाई ऐसे ही गुजारा करो, सब ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन जब देश ईमानदारी से संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ता है तो सुधार आता ही आता है, परिवर्तन होता ही होता है। ये हम बीते सालों से निरंतर देख रहे हैं। साथियों, देश के सामान्य मानवी को आधुनिक अनुभव देने का जो बीड़ा हमने उठाया है, इसके लिए जो परिश्रम दिन रात किया जा रहा है, उसके परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। कुछ महीने पहले गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन का नया अवतार देश और दुनिया ने देखा था। आज मध्य प्रदेश में भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में देश का पहला ISO सर्टिफाइड, देश का पहला PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन देश को समर्पित किया गया है। जो सुविधाएं कभी एयरपोर्ट में मिला करती थी वो आज रेलवे स्टेशन में मिल रही है। आधुनिक टॉयलेट, बेहतरीन खाना पीना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, म्यूजियम, गेमिंग जोन, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, ऐसी हर सुविधा यहां विकसित की जा रही है। इसमें भारतीय रेलवे का पहला सेंट्रल एयर कॉन्कोर्स बनाया गया है। इस कॉन्कोर्स में सैकड़ों यात्री एक साथ बैठकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं, और खास बात यह भी है कि सारे प्लेटफॉर्म इस कॉन्कोर्स से जुड़े हुए हैं, इसलिए यात्रियों को अनावश्यक भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। भाइयों और बहनों, ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की, ऐसी ही सुविधाओं की देश के सामान्य टैक्सपेयर को, देश के मध्यम वर्ग को
हमेशा उम्मीद रही है। यही टैक्स पेयर का असली सम्मान है। वीआईपी कल्चर से ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट ईपीआई की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन का यही मॉडल है। रेलवे स्टेशन के पूरे इकोसिस्टम को इसी प्रकार ट्रांसफॉर्म करने के लिए आज देश के 125 से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का यह अभियान भी सिर्फ स्टेशन की सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इस तरह का निर्माण गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का भी हिस्सा है। यह आजादी के अमृत काल में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का अभियान है जो देश के विकास को अभूतपूर्व गति दे सके। ये गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की है, एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की है। अब जैसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को अप्रोच रोड से जोड़ा गया है, यहां बड़ी संख्या में पार्किंग की सुविधा बनाई गई है। भोपाल मेट्रो से भी इसकी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है। बस मोड़ के साथ रेलवे स्टेशन के एकीकरण के लिए स्टेशन के दोनों तरफ से बीआरटीएस लेन की सुविधा है, यानी ट्रैवल हो या लॉजिस्टिक, सब कुछ सरल हो, सहज हो, सीमलेस हो, ये प्रयास किया जा रहा है। ये सामान्य भारतीय के लिए, सामान्य हिंदुस्तानी के लिए ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने वाला है। मुझे खुशी है कि रेलवे के अनेकों प्रोजेक्ट्स को इसी तरह गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जोड़ा जा रहा है। साथियों, एक जमाना था जब रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी ड्राइंग बोर्ड से जमीन पर उतरने में ही सालों साल लग जाते थे। मैं एक हर महीना प्रगति कार्यक्रम में रिव्यू करता हूं कि कौन सा प्रोजेक्ट कहां पहुंचा। आप हैरान हो जाएंगे, मेरे सामने रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आए जो 35-40 साल पहले घोषित हो चुके थे, लेकिन कागज पर लकीर भी नहीं बनाई गई। 40 साल हो गए। अब खैर, ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है, मैं करूंगा, आपको भरोसा देता हूं। लेकिन आज भारतीय रेलवे में भी जितनी अधीरता नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की है, उतनी ही गंभीरता उनको समय पर पूरा करने की भी है। मध्य प्रदेश का पहला और देश का दूसरा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट की तर्ज पर बने इस स्टेशन में है नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन वाला विशाल एयर कॉन्कोर्स और मनमोहक ग्लास फसाद वाला 36 मीटर ऊंचा टर्मिनल, वेटिंग लाउंज, एसी डॉर्मेट्री, एसी रिटायरिंग रूम, वीआईपी लाउंज, कैफेटेरिया, रिटेल शॉप, लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रेवलेटर, रैंप, मॉडर्न प्लेटफॉर्म, कवर शेड,
और पार्किंग जैसी सुविधाओं से बढ़ रही है स्टेशन की उपयोगिता। 5-star GEM रेटिंग वाले इस ग्रीन स्टेशन पर है CCTV कैमरा, फ्री वाईफाई, आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली, केंद्रीकृत स्काडा कंट्रोल रूम और मॉडर्न फायर फाइटिंग सिस्टम। भविष्य में इसी स्टेशन पर होगा भोपाल मेट्रो और बस कॉरिडोर का एकीकरण और इस स्टेशन कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल बिल्डिंग, मॉल, हॉस्पिटल और होटल। इन सारी सुविधाओं से बच्चे हों या महिलाएं, बुजुर्ग हों या बिजनेस यात्री, पारिवारिक सफर पर निकला परिवार हो या कोई भी पैसेंजर, हर किसी को मिलेगा यहाँ मॉडर्न एटमोस्फेयर, शॉपिंग का अनुभव, एंटरटेनमेंट के भिन्न भिन्न विकल्प, सुरक्षा, आरोग्य सेवाएं, आधुनिक प्रतीक्षालय, गुणवत्ता युक्त और स्वादिष्ट आहार का आनंद।